Welcome friends. Today we are going to learn a poem. The name of poem is Snake and it is written by D.H. Lawrence. And it is about his encounter with a snake. So let us start it. A snake came to my water trough. एक सांप मेरे पानी भरने की जगह पर आया था. वाटर ट्रफ मतलब पानी भरने का स्थान और कंटेनर भी होता है. ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पायजामास फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर. ऑन अ हॉट डे मतलब गर्म दिन था यह. मैंने पायजामा पहन रखा था क्योंकि दिन गर्म था. टू ड्रिंक देयर वहां पर पानी पीने के लिए आया. इन डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ ग्रेट डार्क कैरोब ट्री. और वहां पर छाया थी किसकी? कैरोब ट्री की. तो वहां पे छाया कैसी थी उसकी? पेड़ की. डीप घनी छाया थी. स्ट्रेंज सेंटेड और अजीब सी गंध वहां पर आ रही थी. शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री तो वहां पर बहुत ही घना कैरोब का पेड़ था उसकी छाया थी. आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पीचर और मैं अपना बर्तन लेकर के नीचे की तरफ उतरा. पीचर का मतलब होता है बर्तन पात्र. एंड मस्ट वेट और मुझे इंतजार करना था. मस्ट स्टैंड एंड वेट और वहां पे खड़े खड़े इंतजार ही करना था. फॉर देयर ही वॉज एट ट्रफ बिफोर मी क्योंकि ट्रफ पानी भरने का जो स्थान था वहां पर सांप पहले से ही बैठा हुआ था. इस सेंटेंस में ही स्नेक के लिए है और मी जो इसका नरेटर है जो पोएट है उसके लिए है. ही रिच्ड डाउन फ्रॉम अ फिशर और वह ही मतलब यहाँ पे वापस से स्नेक के लिए है. ही रिच्ड डाउन फ्रॉम अ फिशर वह एक फिशर मतलब होता है दरार या क्रैक. तो सांप एक क्रैक में से या एक दरार में से आया था. इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम और दरार कहाँ बनी हुई थी? अर्थ वॉल अर्थात मिट्टी से बनी हुई दीवार में दरार थी. फिशर था वहां पर से निकल के आया था सांप. इन द ग्लूम मतलब जिस दरार से वो निकल के आया था उस दरार में अंधेरा था. अर्थात कोई भी जगह पर दीवार में कहीं छेद है या दरार है तो उसमें तो अंधेरा ही रहेगा. तो सांप वहां से मिट्टी की दीवार में से जहाँ पे अंधेरा था ऐसी दरार में से सांप निकल के आया था पानी पीने के लिए. एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकलेस सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ. और ट्रेल्ड हिज ट्रेल का मतलब होता है बलखा के चलना. येलो ब्राउन स्लैकलेस सॉफ्ट बेली और येलो ब्राउन रंग का था वह और स्लैकलेस मतलब ढीला ढाला उसका शरीर था. सॉफ्ट बेलीड अर्थात ढीला ढाला शरीर वाला था. ओवर द एज ऑफ स्टोन ट्रफ और उसने पत्थर के स्थान पर जहां पे पत्थर बना था उसके एज मतलब किनारे पर रख दिया. एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम और पत्थर का जो बॉटम वाला हिस्सा अर्थात निचला हिस्सा था उसके ऊपर अपने गले को उसने रख दिया. रेस्टेड मतलब यहां पे रख दिया था. एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड और उस स्टोन का जो बॉटम वाला हिस्सा था अर्थात निचला हिस्सा था वहां पर जो पानी था वो ड्रिप हो रहा था अर्थात टपक रहा था. फ्रॉम द टैप पानी टैप अर्थात नल से टपक रहा था. इन अ स्मॉल क्लियरनेस और पानी कहां टपक रहा था? इन अ स्मॉल क्लियरनेस एक छोटे से गड्ढे में पानी टपक रहा था. तो क्लियरनेस का यहां पर अर्थ है गड्ढा या पीआईटी पिट. ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेंज माउथ उसने ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ उसने अपने सीधे मुंह से पानी को सिप किया अर्थात पिया. तो सांप ने अपने मुंह से पानी को पिया. उसका मुंह उस समय कैसा था? स्ट्रेट था सीधा था. सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स और उसने जो अपने मुंह था गम्स का मतलब यहाँ पे मुंह है
उसने सॉफ्टली मतलब बहुत ही धीरे धीरे शांति से पानी पिया इनटू द स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली। और पानी कहाँ गया? उसके शरीर में, उसके ढीले और लंबे शरीर में पानी गया साइलेंटली, बिल्कुल शांति से। समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर ट्रफ, मेरे पानी पीने के स्थान पर मेरे सामने कोई था। तो समवन यहाँ पर वापस उसी के लिए आया है, स्नेक के लिए, और मी पोएट है या नरेटर है पोएम का। तो समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर ट्रफ, मेरे पानी भरने की जगह पर कोई मेरे सामने था। तो वही सेंटेंस है, वही लाइन फिर से उन्होंने लिखी है। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं एक सेकेंड कमर की तरह, सेकेंड कमर मतलब बाद में आने वाले व्यक्ति की तरह वेटिंग कर रहा था। मैं सेकेंड कमर के हूँ क्योंकि मेरे से पहले सांप वहां पर बैठा हुआ है, इसलिए फर्स्ट कमर वो है। फर्स्ट कमर मतलब पहली बार आने, पहले आने वाला, सेकेंड कमर मतलब दूसरे नंबर पे आने वाला। तो मैं दूसरे नंबर पे आया हूँ इसलिए मैं वहां पर वेट कर रहा था। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, आमतौर पर हम देखते हैं कहीं पर जानवर वगैरह पानी पीते हैं तो अक्सर वो पानी पीते जाते हैं और बीच बीच में अपना सिर उठाकर आसपास देखते जाते हैं। तो ये उनका स्वभाव होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि डर या कोई आत्मी रहा या देखने के लिए भी जानवर ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे कि कैटल होते हैं वो अपना सिर बार बार उठा करके पानी पीते समय देखते हैं, वैसे ही वह सांप भी पानी पीते समय बार बार सिर उठा उठा के इधर उधर देख रहा था। तो ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और लुक्ड एट मी वेगली, वेगली मतलब साधारण तरीके से। उसने अपना सिर उठाया सांप ने और मेरी तरफ देखा, लेकिन कैसे? वेगली मतलब साधारण तरीके से, अर्थात सांप मेरे से डरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने नॉर्मली जैसे देखना था वैसे मुझे देख लिया। अक्सर जानवर भी ऐसा किया करते हैं, केटल होते हैं वो भी ऐसा किया करते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉक्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स, फ्लिकर का मतलब होता है मूव करना, हिलाना। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग, सांप की जो जबान होती है वो टू फॉर्क होती है, मतलब इसमें दो ऐसे होते हैं फॉर्क। तो उसने टू फॉर्क, दो फॉर्क वाली जो अपनी टंग थी अर्थात जबान थी, उसको अपने लिप्स में से, होंठों के अंदर के बीच में छोटी सी जगह रहती है, वहां से निकाला। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, म्यूज्ड मतलब थिंक, सोचा उसने, सोचा किसी चीज के बारे में। म्यूज्ड अ मोमेंट, एक पल के लिए सोचा। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक द लिटिल मोर, स्टूप्ड का मतलब है यहाँ पे नीचे झुका। तो उसने थोड़ी देर सोचा, फिर वापस नीचे झुका। एंड ड्रैंक द लिटिल मोर, और थोड़ा सा पानी और पिया। बींग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग। तो बींग अर्थ ब्राउन, इसका रंग जो था वो अर्थ ब्राउन था, अर्थ गोल्डन था, फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, उस समय जो जमीन थी वो गर्म थी, हॉट थी। तो बर्निंग बाउल्स लिखा यहाँ पे, तो गर्म जमीन जो थी वो समय था, इसीलिए पानी पी रहा था साहब। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, और यह दिन जो था वो सिसिलियन जुलाई का था। यह सिसिलियन एक जगह का नाम दे रखा है, तो सिसिलियन जुलाई का जो समय जो था वो था ये, और वो समय कहाँ किस जगह का था? सिसिलियन का। तो सिसिलिया नाम की जगह है इसलिए उसको सिसिलियन जुलाई शब्द कहा गया है। विथ एटना स्मोकिंग, इस समय वहां पर एटना नाम का कोई वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, वह निकलता है। तो हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ यूरोप है एटना, तो जो ये एटना इटली में है ये जगह। तो सिसिली जो है, सिसिली की जुलाई का समय था, ये सिसिलियन जुलाई का समय था, और एटना ज्वालामुखी जो होता है वो इस समय अक्सर वोल्केनो में से धुआं निकलता है। तो इस उस समय की बात है, उस गर्मी की बात है जो कि एटना ज्वालामुखी निकलता है उस समय हुआ करती है सिसिलियन नाम, सिसिली नाम की जगह पर जो कि इटली में है, और जुलाई का महीना था। तो वहां पर अर्थ ब्राउन, गोल्डन, ये सब दिख रहा था।
और ये मतलब ये है कि ये गर्मी का समय था, गर्मी लग रही थी इसलिए साफ पानी पी रहा था, ये रीजन है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड मी ही मस्ट बी किल्ड, मेरी जो समझ थी, वॉइस ऑफ एजुकेशन मतलब आज तक पढ़ लिख करके मैं जो भी कुछ सीखा हूँ उस एजुकेशन से मुझे ऐसा लग रहा था कि मस्ट बी किल्ड, कि मुझे इस सांप को मार देना चाहिए, कि ये सांप तो मार ही दिया जाना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। क्यों? उसका कारण आगे की लाइन में दे रखा है, फॉर इन सिसिली, कि सिसिली नाम की जगह पर द ब्लैक, काले ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, क्योंकि सिसिली नाम की जगह पर काले सांप होते हैं वो तो इनोसेंट होते हैं, इनोसेंट का मतलब होता है वो सांप किसी को कुछ नहीं करते हैं, ऐसे सांप होते हैं। द गोल्ड्स आर, गोल्ड आर वेनोमस, लेकिन जो गोल्ड कलर के होते हैं वह जहरीले सांप होते हैं, ऐसा सिसिली जो कि इटली में है उस सिसिली नाम की जगह पर ऐसा माना जाता है कि काले सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, अर्थात वो किसी को कुछ नहीं करते, मासूम होते हैं, और जो गोल्ड कलर के होते हैं वह कैसे होते हैं, वेनोमस अर्थात जहरीले होते हैं, इसलिए इस सांप को मार दिया जाना चाहिए, ऐसा पोएट के माइंड में थॉट आया। तो यहाँ पे ऊपर दे रखा है कि गोल्डन ब्राउन, तो गोल्डन अर्थ गोल्डन इस तरह से लिखा है, तो वो सांप के कलर के लिए लिखा हुआ है। एंड वॉइसेस इन मी सेड, और मेरे अंदर दिल की आवाज ने कहा, इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ, अगर तुम एक आदमी हो तो तुम एक स्टिक अर्थात लकड़ी उठाओ एंड ब्रेक हिम नाउ, और उस सांप को तोड़ दो अर्थात उसको चोट पहुंचाओ, मार दो, एंड फिनिश हिम ऑफ मतलब सांप को पीटो, ब्रेक करो, और फिनिश हिम ऑफ और उसको पूरी तरह से फिनिश कर दो अर्थात उसको मार दो। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ, कन्फेस करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, हाउ आई लाइक हिम, कि मैं उस सांप को कितना पसंद करता हूँ, मैं सांप को बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ। हाउ ग्लेड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट, मैं बहुत खुश था वह एक गेस्ट की तरह आया था, ही मतलब यहाँ पे वापस से स्नैक के लिए है, सांप वहां पर एक गेस्ट अर्थात मेहमान की तरह आया था, और क्वाइट बड़ा शांति से आया था। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ, और पानी भरने की मेरी जगह थी वहां पर वह आया था पानी पीने, एंड डिपार्ट पीसफुल, और शांति से वहां से जाता है, पेसिफाइड अर्थात संतुष्ट होकर के, एंड थैंकलेस और बिना किसी थैंक के, इन टू द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, और वह सांप जो है वो बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, धरती का जलती हुई जो धरती है उसके अंदर के जो भी बिल वगैरह है, बाउल्स मतलब कटोरा होता है, इन बर्निंग बाउल्स अर्थात जलती हुई धरती के अंदर वापिस चला जाना है उस सांप को। वॉज अ कावर्डाइस, वॉज इट कावर्डाइस, क्या यह कायरता है, दैट आई डेयर्ड नॉट टू किल हिम, मैंने सांप को मारने की जरा भी कोशिश नहीं की या हिम्मत नहीं की, डेयर का मतलब हिम्मत करना होता है, तो मैंने सांप को मारने की हिम्मत नहीं की, सांप को मारने की डेयर नहीं की, वॉज इट कावर्डाइस, क्या यह कायरता है, ऐसा मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। वॉज इट परवर्सिटी, परवर्सिटी का मतलब होता है लॉजिकल अर्थात क्या यह सही है, वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम, क्या यह सही बात है या क्या यह लॉजिकल बात है कि मैं उस सांप से बातें करूं, लॉन्ग्ड का मतलब होता है डिजायर, इच्छा रखना, ऐसे सांप से बातें करने की इच्छा रखना क्या कोई सही काम है, क्या लॉजिकल काम है, वॉज इट ह्यूमिलिटी, और क्या यह ह्यूमिलिटी है, क्या यह विनम्रता है, टू फील सो ऑनर्ड, मैं सांप से बात करके अपने आप को बड़ा ऑनर्ड अर्थात सम्मानित महसूस कर रहा था, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्या यह सही काम था, ऐसा मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, आई फेल्ट सो ऑनर्ड, हाँ मुझे बहुत ही ऑनर अर्थात सम्मान महसूस हुआ कि मैंने उस सांप से बात की, मैं सांप के सामने खड़ा रहा, इसके लिए मुझे बड़ा सम्मान महसूस हो रहा था। एंड येट दोज वॉइसेस, और अभी भी ऐसी की ऐसी आवाजें मेरे अंदर से आ रही थी,
क्या आ रही थी? इटैलिक में लिखा है, इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, अगर तुम डरे हुए नहीं होते तो तुम उसको मार देते, अर्थात किसको मार देते? सांप को मार देते। तो यू यहां पर पोएट के लिए आया है और हिम है वो स्नेक के लिए आया है। तो अगर उससे डरे हुए नहीं होते तो तुम उसको मार डालते। ऐसी वॉइसेस, ऐसी आवाजें मेरे अंदर से आ रही थी बार बार। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और मैं सही सही कह रहा हूँ, ट्रूली सच्ची सच्ची कह रहा हूँ, आई वॉज अफ्रेड, मैं बहुत डर गया था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत डर गया था। बट इवन सो, फिर भी, ऑनर्ड स्टिल मोर, फिर भी मुझे बड़ा ऑनर अर्थात सम्मान महसूस हो रहा था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, मुझे सम्मान महसूस हो रहा था कि ही अर्थात सांप जो है शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। मेहमान कोई आता है हमारे घर पर, हम उसका स्वागत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो दैट इज हॉस्पिटैलिटी। उसे मेरी मेहमान नवाजी प्राप्त होनी थी, ऐसा मैंने सोचा था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, उसे मेरी मेहमान नवाजी प्राप्त होनी थी, ऐसा मैंने सोचा था। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, उस डार्क डोर अर्थात जमीन या जो भी उसका बिल था रहने का, वो दरार जो है डार्क अर्थात उसके अंदर अंधेरा था, इसलिए उसको डार्क डोर बोला है। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, उस जमीन से बाहर आने पर उस सांप को मुझे सम्मानित करना चाहिए था, ऐसा मेरे अंदर से आवाज आ रही थी। द डार्क इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, उस जहां पर सांप अंदर जाने वाला था, या सांप जहां पर, सॉरी, ही डार्क इनफ नहीं है, ही ड्रैंक इनफ है, ही ड्रैंक इनफ, उस सांप ने जितना पानी पीना था उतना पी लिया, अर्थात सांप अभी अंदर जाएगा, इसकी जानकारी आगे हमको मिलेगी। ही ड्रैंक इनफ, उस सांप ने पानी पी लिया, इनफ अर्थात जितना उसको पीना था उतना। ही लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया, ड्रीमली, और ऐसे उठाया जैसे कि सपने में या कोई नशे में है, ऐसे उसने अपना सिर उठाया, अर्थात बिल्कुल ही नशे में रहते हुए या सपने में हो ऐसा बेवकूफ होकर के बिना डर के उसने अपना सिर उठाया। एज वन हु हैज ड्रंकन, और उसने अपना सर ऐसे उठाया जैसे कि ड्रंकन हो, अर्थात शराब पी रखी हो, शराबी की तरह उसने अपना सिर उठाया, और ऐसे उठाया जैसे कि वह सपने में हो, अर्थात दोनों चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी, सपने में था ऐसे भी लग रहा था और शराब पी रखी थी ऐसा भी हमें लग रहा था। ही एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉर्क्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, एंड फ्लिकर्ड का मतलब होता है मूव करना, हिलाना हिज टंग, अपनी जबान को, उसने अपनी टंग थी जो जीभ थी जो इस तरह से दो फॉर्क वाली होती है, अपनी उस जबान को उसने मूव किया, हिलाया, लाइक ए फॉर्क्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, और फॉर्क की तरह हिलाया, नाइट ऑन द एयर, उसने हवा में अपनी जबान को हिलाया, सो ब्लैक, बहुत काली, सीमिंग टू लिक हिज लिप, और उसकी जबान जो थी वो उसके होठों के ऊपर घुमा रहा था। लिक का अर्थ होता है चाटना, तो वह अपने होठों पे अपनी जबान घुमा रहा था, ऐसा हमको लग रहा था। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और भगवान की तरह उसने चारों तरफ देखा, अनसीन इन टू द एयर, और फिर चारों ओर हवा में, और फिर उसने ये सब चीज को अनदेखा कर दिया। तो उसने भगवान की तरह देखा, चारों ओर हवा में नहीं। एंड स्लोली टर्नड हिज हेड, और उसने अपना सिर धीरे से मुड़ा लिया, एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, और बहुत ही धीरे से जैसे कि वह सपने में डूबा हुआ, थ्राइस अ ड्रीम का मतलब होता है सपने में डूबा हुआ हो, वैसे उसने अपना जो सिर है वो मुड़ाया, प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, एंड प्रोसीडेड मतलब आगे की तरफ बढ़ा, टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस,
तो क्लाइंब मतलब जैसे वो उतरा पानी पीने के लिए, तो अब वापस रिटर्न जा रहा है, तो क्लाइंब मतलब वापस अपने दरार में जाने के लिए वापस चढ़ रहा है ऊपर, जो भी सीढ़ियाँ वहाँ पे स्टेप वगैरह बनी हुई है या जो ऊंचाई वाला हिस्सा है वहाँ पे। पहले उतरा था तो डाउन लिखा था, अब चढ़ रहा है तो क्लाइंब लिखा है। तो क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ वॉल फेस, दीवार के अंदर जो भी ब्रोकन बैंक है अर्थात जो भी टूटा हुआ हिस्सा है और जो ढलान वगैरह है, तो उस ब्रोकन बैंक की तरफ वॉल फेस अर्थात दीवार की तरफ वो वापिस चढ़ रहा है अंदर बिल में जाने के लिए। एंड एज ही पुट हिज हेड इन टू द ड्रेडफुल होल, ड्रेडफुल का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, उस खतरनाक होल अर्थात छेद के अंदर उसने अपना मुंह जैसे ही डाला, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, जैसे ही वह खिसका, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर, सांप ने अपने जो कंधे थे वह बिल्कुल ईजी कर लिए, मतलब थोड़े रिलैक्स कर लिए, एंड एंटर्ड फार्दर, और आगे की तरफ उस होल के अंदर एंटर करना चालू कर दिया, मतलब सांप अब वापस अपने बिल में या फिशर जिस छेद से वो आया था, जिस क्रेक से आया था, वहां पे वापस जा रहा है। सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, तो एक डर लग रहा था, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, एक विरोध लग रहा था, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, अगेंस्ट द विड्रॉइंग इन टू द हॉरिड ब्लैक होल, उस खतरनाक काले होल में जाने पर विरोध लग रहा था, विड्रॉइंग मतलब नहीं जाओ ऐसा मैं सोच रहा था। डेलीबरेटली गोइंग इन टू द ब्लैकनेस, डेलीबरेटली का मतलब यहाँ पर होता है नोइंगली, जानते हुए भी, सांप जान बुझ करके उस होल के अंदर जा रहा था, उस दरार के अंदर, उस बिल के अंदर जा रहा था। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे ले जा रहा था। ओवरकम मी नाउ हिज ब्लैक वास बैक वास टर्न, और ओवरकेम मी, और वहां पर उसकी जो बैक थी, पीठ थी, उसको वो टर्न करके अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है, सांप कोशिश करता है। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा। आई पुट डाउन माई पिचर, मैंने अपना बर्तन नीचे रखा। आई पिक्ड अप अ क्लम्सी लॉग, मैंने एक क्लम्सी अर्थात टेढ़ी मेढ़ी, मैंने एक जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है, लॉग मतलब यहाँ पे लकड़ी का डंडा, तो मैंने टेढ़ी मेढ़ी जो लकड़ी है वो वहां से उठाई। एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ, और पानी भरने के स्थान पर वो लकड़ी मैंने फेंकी। विथ अ क्लॉटर, क्लॉटर का मतलब झंझनाहट के साथ। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे, मैं सोचता हूँ जहाँ तक इट डिड नॉट हिट हिम, इस मैं सोचता हूँ कि जो मैंने लकड़ी मारी थी वो सांप को नहीं लगी थी। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वॉज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, लेकिन अचानक से ही दैट पार्ट ऑफ हिम, वो वाला जो उसका पीछे वाला हिस्सा था, वॉज लेफ्ट बिहाइंड, जो कि पीछे रह गया था, कन्वल्स्ड मतलब मूव वायोलेंटली, कन्वल्स्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी जाना, क्योंकि लकड़ी फेंक दी इसलिए सांप डर गया, तो कन्वल्स्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी, वो सांप का वो पीछे वाला हिस्सा था वो फटाफट वो अंदर खींच के जाता है। इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, पहले वो बड़ा डिग्निफाइड बिल्कुल शानदार तरीके से जा रहा था, अब वो अनडिग्निफाइड हेस्ट मतलब बहुत ही जल्दी के साथ, बिना किसी डिग्निटी के, विदाउट एनी डिग्निटी, फटाफट अब अंदर हेस्ट में अर्थात जल्दी जल्दी उस बिल में चला जाता है। ब्रीथ्ड लाइक लाइटनिंग एंड वॉज गॉन, ब्रीथ्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड एंड टर्न, मतलब मुड़ा वहां से, एंड लाइक लाइटनिंग मतलब बिजली की तरह मुड़ करके वहां पे चला जाता है, एंड वॉज गॉन, वो अंदर की तरफ चला जाता है। इन टू द ब्लैक होल, उस काले होल में अर्थात छेद में। द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, तो अर्थ लिप्ड का मतलब मिट्टी से बना हुआ वो जो फिशर था, होल था, जो कि दीवार के सामने वाले हिस्से में बना हुआ था, उसके अंदर चला जाता है। एट विच इन द इंटेंस टिल नून आई स्टार्ट विथ फैंसिनेशन, फैंसिनेशन का मतलब होता बड़ा चार्म के साथ, बड़ा
कि कुछ होगा वापस आएगा ऐसा सोच करके, उसी जो हॉल था उसकी तरफ मैं इंटेंस इंटरेस्ट से, मतलब बहुत ही इंटरेस्ट के साथ दोपहर तक उस हॉल को मैं देखता रहा फैंसिनेशन के साथ कि स्टार्ट, STARD, स्टार्ट का मतलब होता है देखना। तो मैं उस हॉल की तरफ दोपहर तक बैठा बैठा देखता रहा एंड इमिडिएटली रिग्रेटेड इट, और फिर मैंने रिग्रेट किया, मतलब पछताया। किस चीज पे पछताया? थ्रोइंग क्लम्सी लॉग एट स्नेक। यहाँ पे इट का मतलब है कि सांप की तरफ मैंने जो एक लकड़ी का टुकड़ा फेंका था, उस बात को लेकर मैं रिग्रेट हुआ, उस बात को लेकर मैं बहुत पछताया, दुखी हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई थॉट हाउ पॉल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। मैंने सोचा कि पॉल्ट्री का मतलब होता है वर्थलेस, बिना मतलब का, तो मैंने बिना मतलब का काम किया था। हाउ वल्गर, मैंने बहुत वल्गर काम किया था, अभद्र बुरी हरकत की थी। एंड मीन एक्ट मतलब बहुत ही छोटा नीच काम मैंने किया था। आई डेस्पाइस्ड माई सेल्फ, मैंने डेस्पाइट करना मतलब नफरत करना। आई डेस्पाइस्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से नफरत की कि मैंने सांप को लकड़ी मारी, उस बात के लिए मैंने खुद से नफरत की। द वॉइसेस ऑफ माई एकस्ट ह्यूमन एजुकेशन, और मैंने नफरत की कि मेरी जो ह्यूमन एजुकेशन जो थी, जो मेरी अभी तक की शिक्षा थी, उस एकस्ट अर्थात घटिया शिक्षा को भी मैंने कोसा, उससे भी मैंने नफरत की। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रोस, और मैंने उस एल्बेट्रोस के बारे में सोचा। तो एल्बेट्रोस वाली जो स्टोरी जो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर करके है, उसमें एक पाप किया था एंशिएंट मेरिनर ने एल्बेट्रोस को मारने का। तो मैं भी अपने आप को ऐसा मान रहा था कि जैसे मैं मेरिनर हूँ और मैंने किसी को मारने की कोशिश की है, तो मैं एल्बेट्रोस जैसा सोच रहा था कि एल्बेट्रोस वाली घटना जैसा अपने आप को मान रहा था। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नैक, मैंने ऐसी आशा की थी कि वो जो मेरा सांप है वो वापिस से लौट के आएगा, ऐसी मैंने आशा की थी। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग, क्योंकि वह सांप जो था मुझे एक राजा जैसा लगा था। लाइक अ किंग इन एक्साइल, मुझे सांप ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक्साइल में हो, मतलब अपने मुख्य स्थान से बहुत दूर हो, ऐसा महसूस हो रहा था। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, और वह सांप जो था वो अंडरवर्ल्ड में था, मतलब दुनिया के सामने नहीं था और अनक्राउंड था। वह सांप राजा के राजा जैसा था, इसलिए उसको मुझे क्राउन उसके सिर पे होना चाहिए था ऐसा लग रहा था, पर वो अनक्राउंड था, मतलब उसके सिर पे कोई ताज नहीं था, ऐसा वह अंडरग्राउंड मतलब लोगों के सामने नहीं था और कहीं छुपा हुआ था ऐसा मुझे लग रहा था। नाउ ड्यू टू बी क्राउन अगेन, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको कोई क्राउन पहनाया जाना चाहिए। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और इस तरीके से आई मिस्ड माई चांस, मैंने एक मौका खो दिया वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ की, जीवन के जो मालिक हैं उनका सम्मान करने का मौका जो था मैंने एक खो दिया था। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और एक्सपिएट का मतलब होता है रिग्रेट, पछताना। मेरे पास आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, मुझे पछताना था। एंड एपेटीनेस, एपेटीनेस का मतलब प्रायश्चित करना था, छोटापन का जो मैंने अपेटीनेस का मतलब होता है छोटापन का जो मैंने कार्य किया था उसके लिए अब मुझे पछताना था, ये ऐसा मेरा सोचना था। तो अंतिम जो लाइन है एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट ए पेटीनेस, जो मैंने छोटेपन का काम किया था सांप को मारने का या डराने की कोशिश की थी, उसके लिए मुझे हमेशा एक्सपिएट होना था अर्थात पछताना था या रिग्रेट करना था। तो दोस्तों इस तरीके से ये पोएम जो है जो कि D.H. लॉरेंस ने लिखी थी वो फिनिश हो जाती है, और इस पोएम को आप समझें, और इसके डिस्क्रिप्शन में जो पोएम है वो भी आपको लिखी हुई मिलेगी, और इस जो भी चैनल है वशिष्ठ एकेडमी इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप जो भी आने वाले समय में इसके वीडियोस वगैरह होंगे ग्रामर के या लिटरेचर के
तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो को जैसे बार बार आप देखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से प्रिपरेशन हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच।